हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आई एम शीना जैदी। मिक्स प्रैक्टिस सेशन में स्वागत है आपका। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, वो वाले सवाल भी होते हैं उसी पैटर्न पे, मतलब डिफरेंट एसएससी के जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं सबके सवाल हम लोग इसमें लाते हैं और उस पर बेस्ड खुद के भी सवाल होंगे, जिससे एग्जाम से पहले आपकी हर तरह के क्वेश्चन की, ईजी डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते अंकिता, गुड मॉर्निंग ध्रुव, छोटन, वरुण कुमार, एसएस, गुड मॉर्निंग। एक टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय शीना जैदी, यहाँ पे आप क्विज दे सकते हैं, इन डेज में क्विज होती है और आप डाउट्स भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। क्लास के नोटिफिकेशन भी आपको यहीं मिल जाएंगे। मंडे टू सैटरडे क्लास होती है सुबह 8 बजे। आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, इसके लिए एक नया बैच स्टार्ट हुआ है एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप पे। कंप्लीट बैच है नोट्स और प्रैक्टिस सारी चीजों के साथ, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक ये बैच है अगर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हो, एसएससी की पूरी तैयारी, एसएससी फाउंडेशन नाम से। गुड मॉर्निंग रानो। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। नमस्ते जितेन, सूजा गुड मॉर्निंग। हाँ एबी, बिल्कुल आपने अपना एबी नाम बताया था, अब तो आधार में भी वही होगा एबी। सिनोनिम बताइएगा डिल्यूट का, रुइन, ड्यूप, डेजर्ट या फिर ऑनर करना। कुमार आपको ऑनर लग रहा, वरुण बी। ड्यूप ओके। तो डिल्यूट का मतलब क्या होता है? धोखा देना। धोखा देने के लिए चीट वर्ड है या डिसीव है, ये इसके सिनोनिम है और एक ड्यूप भी सिनोनिम है। रुइन का मतलब है बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय। डेजर्ट का मतलब अबैंडन, किसी को छोड़ देना, या फॉरसेक, ये इसके सिनोनिम जो आते रहते हैं। ऑनर मतलब सम्मान देना, रिस्पेक्ट। नेक्स्ट डिसेप्शन। हाँ डिसेप्शन, इससे क्या हो जाएगा, वो इसकी नाउन फॉर्म बन जाएगी, ये वर्ब है तो इसका सिनोनिम भी वर्ब था। ऑन द वर्ज ऑफ कोई चीज है तो वो क्या है, ये मुहावरा। वो ऑन द ब्रिंक ऑफ है, एट द एंड ऑफ, इन द मिड्स ऑफ, या फिर एट द रिस्क ऑफ। बी ऑप्शन ओके। कोई चीज ऑन द वर्ज ऑफ, बंगाल फूड एसआई एग्जाम में मैंने 91 on 100 स्कोर किया और पेपर लीगो 4, कल से प्रोटेस्ट करें। यही हो गया है, ये एक पैटर्न बन गया, एग्जाम दो फिर उसके बाद प्रोटेस्ट में बैठो। ऑन द ब्रिंक, इसका क्या मतलब होता है? ऑन द वर्ज ऑफ, किसी चीज की कगार पे पहुंच गए हैं, किसी चीज की कगार पे मतलब बस वो जैसे स्टार्ट होने वाली है या कुछ काम होने वाला है, तो ये हो गया ऑन द ब्रिंक ऑफ या ऑन द पॉइंट ऑफ समथिंग ये कहेंगे। एंड इसमें जरूरी नहीं है, वो तो कगार पे किसी चीज की शुरुआत भी हो सकती है। फिर इन द मिड्स ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के बीच में, रिस्क का तो मतलब जिसमें खतरा हो। नेक्स्ट थर्ड एक्टिव पैसिव है ये, द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप। बिल्कुल सही वरुण। 3 का बी, द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम, अगर कह रहे हैं ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव कैसे होगा? प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट हो, बस बीन का यूज उसमें कर देंगे, तो मतलब यहाँ पे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उलट ही जाता है। कौन सा नहीं हुआ? ए ऑप्शन नहीं है, बीन नहीं आया, यहाँ पे बीन नहीं आया। अब बी और डी देखें, ही हैज बीन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल, या ही हैज बीन ग्रांटेड टू अ स्कॉलरशिप, मतलब जैसे उसको दिया गया है स्कॉलरशिप को, के उसको ले जाके स्कॉलरशिप को थमा दिया, तो ये आंसर डी हो नहीं सकता, बी हो जाएगा, ही हैज बीन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप। नेक्स्ट फोर्थ, समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, उसे क्या कहेंगे? जहरीली चीज हो या फिर बहुत वो हानिकारक हो। ट्रिवियल, टॉक्सिक, टॉर्पेड या ट्रेजिक, बी लग रहा। बाकी वर्ड्स भी क्या हैं वो भी देखें क्योंकि वो भी आते रहते हैं। इसके लिए इंग्लिश की ये क्लास से गैप लिया 1 मंथ का, तो वो भी लीक हो गया। हाँ लीक ईयर है, वो लीप ईयर होता है, वो लीक ईयर भी बन गया। टॉक्सिक होगा जहरीला। टॉक्सिक का मतलब पॉइजनस होता है तो जहरीला हुआ। ट्रिवियल का मतलब है मामूली या नॉट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट माइनर ये बोलेंगे। ट्रेजिक का मतलब दुखद और टॉर्पिड का मतलब नॉट एक्टिव या सुस्त। नॉट एक्टिव, लिथार्जिक, सुस्त के लिए आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, यहां पे एरर देखिए, स्लगिश बोल सकते हैं बिल्कुल। विराट कोहली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन दैट हैज एवर स्टेप्ड ऑन द पिच। कुछ है ये हर्षित, विराट कोहली सबसे अच्छे बैट्समैन में से है, क्या यही बोलेंगे? पहली चीज तो मैन सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल है मेन, ठीक है। तो खिलाड़ी में से एक या एक आदमी में से एक नहीं कहेंगे, आदमियों में से एक कहेंगे। उसी तरह से बैट्समैन बोला जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन फिर बैट्समैन के हिसाब से ही आगे का वर्ब आएगा, क्योंकि अब हमें बैट्समैन के अकॉर्डिंग करना है जो दैट से जस्ट पहले। तो ये रूल होता है कि हु, विच या दैट है, उससे जस्ट पहले वाला वर्ब जो होगा, उससे जस्ट पहले वाला नाउन या प्रोनाउन जो होगा, उसके हिसाब से हमें वर्ब लाना है। तो जस्ट पहले वाला जो नाउन प्रोनाउन है उसके बेस पे आगे का वर्ब लाइए। तो जब बैट्समैन प्लूरल है तो हैव हो जाएगा। बी पार्ट में मिस्टेक थी। सिक्स्थ, नेक्स्ट नेगेट का सिनोनिम बताइएगा। बिल्कुल कुमार सही, गुड मॉर्निंग तरुणा। नेगेट का होगा नेटल, नलिफाई, हीट या वैलिडेट। नेगेट का मतलब नकारना, तो नकारने के लिए कौन सा आ जाएगा? नलिफाई इसके लिए हो जाएगा। नेटल का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, अनॉय करना, गुस्सा दिलाना, स्लाइटली एंग्री करना। हीट का मतलब होता है किसी चीज पे ध्यान देना, पे अटेंशन, ध्यान देना। वैलिडेट का मतलब क्या हुआ? मान्य ठहराना, किसी को मान्य बनाना, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा नेगेट का। नेक्स्ट हीडलेस, ये वरुण आप उस पर ध्यान नहीं देते, पार्ट ऑफ स्पीच पे। पार्ट ऑफ स्पीच सेम होनी चाहिए, वर्ब का वर्ब होगा और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव। यहां पे भी एरर बताइए। गुड मॉर्निंग प्रभात। द थीफ ब्रोक इन द हाउस इन द डेड ऑफ नाइट। ब्रोक इन टू, क्या ब्रेक इन कुछ नहीं है? कोई फ्रेजल वर्ब ब्रेक इन नहीं है क्या? ब्रेक इनटू होता है। ब्रेक इनटू का क्या मतलब है? एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती कहीं घुसना, किसी बिल्डिंग में, गाड़ी में, उसको कहते हैं। लेकिन ब्रेक इन का भी वही मतलब होता है। ब्रेक इन और ब्रेक इनटू दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन फिर अंतर क्या है? जैसे आप किसी से कहें कि अंदर आओ, किसी को बुला रहे हैं तो कम इन कहते हैं, आप कम इनटू नहीं कहेंगे। लेकिन आप कहें कि कमरे के अंदर आओ तो कम इनटू द रूम कहेंगे। मतलब अगर बाद में ऑब्जेक्ट दिया है कि कमरे के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, ऐसा कुछ कहें, घर के अंदर, तो फिर इनटू का यूज करेंगे। अगर ये कुछ नहीं दिया, बस अंदर आओ इस तरह कह रहे हैं, तो फिर हम इन का यूज करेंगे। वही चीज यहाँ है, द थीफ ब्रोक इन कह रहे हैं, आगे तो दिया है ना कहाँ पे घुसा था, इसलिए यहाँ पे इनटू हो जाएगा, ठीक है। तोड़ मोड़ के घुसा, तोड़ मोड़ के क्या घुसा? ब्रेक इनटू नहीं, उसका किसको तोड़ा मोड़ा? अपने को। तो आंसर था यहाँ पे ए। नेक्स्ट बाय फोर्स घुसा, बस ये मतलब। कैरी द बॉल का मतलब क्या हुआ? डेकोरेट द बॉल, बी इन चार्ज, टेक द डिसीजन या बी द होस्टेस। बॉल को कैरी कर रहे हैं, अब किसी बॉल से किसी को खेलना है, पूरी एक टीम को, तो फिर एक बच्चा वो बॉल लेके आ रहा है जिस बॉल से खेलना है, तो पूरी जिम्मेदारी उसी पे है कि अगर वो बॉल ठीक से नहीं लाया, इधर उधर खो दी, तो फिर वो खेल ही नहीं पाएंगे। तो मतलब हुआ इंचार्ज है वो उस चीज को लाने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, किसी चीज की जिम्मेदारी लेना। ये एक्टिव पैसिव, वॉइस चेंज करें इसकी। हाँ वो भी होता है, वो ज्यादा कॉमन है। बॉल इज इन योर कोर्ट, अब तुम्हें फैसला लेना है। दीवार तोड़ के, जबकि आसानी से दरवाजा तोड़ा जा सकता था, लेकिन पूरी दीवार ही गिरा दी। जय हिंद नीतीश, वेलकम। अब यहां से आप भी आंसर करें, बी आंसर लग रहा। बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड विद मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन मेकिंग वेरियस परचेजेस। थ्रॉन्ग विद का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा लोग वहां पे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो आर थ्रॉन्ग्ड कह रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, एक्टिव में करना है। अब कौन सा बिल्कुल गलत है? ड्यूरिंग फेस्टिवल्स मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन थ्रॉन्ग द शॉप्स, परचेजेस वाली तो बात ही गायब हो गई, ये आंसर गलत है। फिर यहाँ पे मेक परचेजेस ड्यूरिंग फेस्टिवल, थ्रॉन्गी वर्ड गायब हो गया यहाँ तो, जो वर्ब था। द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड बाय मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन मेकिंग परचेजेस बिफोर फेस्टिवल्स। थ्रॉन्ग के साथ बाय का यूज नहीं होता, और यहाँ तो ये पैसिव ही रहा, तो हमारा एक्टिव होना चाहिए ये। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन थ्रॉन्ग द शॉप्स बिफोर फेस्टिवल्स मेकिंग वेरियस परचेजेस। अगर आपको पैसिव बनाना है तो इसमें बाय का यूज नहीं करते, विद आता है। थ्रॉन्ग के साथ कॉम्बिनेशन विद का है, तो मिस्टेक बी में थी, मतलब ये सही आंसर बी था। काउच पोटेटो का क्या मतलब होगा? मुहावरे का, ओल्ड पर्सन हु हैज ओल्ड फैशन्ड आइडियाज, कोई पुराना इंसान, पुराने टाइप के उसके आइडियाज हैं। पर्सन हु प्रेफर्स टू वॉच टेलीविजन, पर्सन हु डज नॉट सीम वेरी फ्रेंडली, समवन हु स्टेज काम एंड डज नॉट शो देयर इमोशंस, शांत रहे, इमोशंस अपने ना दिखाए। काउच पोटेटो बन गया जो टीवी वाला, बिल्कुल हाँ, टीवी वाला जो टीवी बैठ के देखता रहे, ऐसी फालतू सा टीवी ही देखे जा रहा है सोफे पे पड़े हुए। काउच का मतलब क्या होता है? सोफा, तो सोफे पे पड़ा पड़ा फूल रहा है, आलू जैसा हो गया और टीवी देखे जा रहा है। अब वो हम लोग मोबाइल के लिए ज्यादा बोल सकते हैं, मोबाइल चला रहा है, लेकिन अभी तक कोई मुहावरा बना नहीं उसके लिए अलग। 11 करेक्टली स्पेल्ड स्पेलिंग बताइए कौन सी होंगी? थ्रॉन्ग अराउंड हो सकता है, हाँ वो तो एडवर्ब की तरह है ना, विद यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह आएगा, तो आ सकता है वो भी, थ्रॉन्ग अराउंड दिस प्लेस, ये आंसर लग रहा है। एडवांटेजेस मतलब फायदेमंद, ये दो स्पेलिंग सही हो गई, मतलब सेम है क्या? एडवांटेजेस की कौन सी लग रही है? GADVANTAGEOUS, GEOUS तो पहले में ही आया है, TAGEOUS, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी यही बता रहे हैं। नेक्स्ट 12th, he said रीना डू यू वॉन्ट टू बाय अ हाउस इन नोएडा। चलिए सबका सही। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्या तुम नोएडा में घर खरीदना चाहती हो? 12 का डी। तो उसने रीना से पूछा ही, आज रीना पहले तो कहेंगे, फिर जब सवाल करते हैं तो दैट का यूज नहीं होता, हाँ या ना वाला जो सवाल होगा उसमें दैट नहीं आएगा, इफ या वेदर में से कुछ आएगा। तो ये दो गलत हो गए। फिर उसके बाद टेंस प्रेजेंट है तो हम पास्ट में कर देंगे, डी हो गया पास्ट इंडेफिनिट। इफ शी वांटेड टू बाय। 13, डेफर का एंटोनिम बताइए। डेफर का प्रोक्रेस्टिनेट, हेरल्ड, हेसन या पेरिश। हेसन, अच्छा। डेफर का मतलब क्या होता है? टालना, किसी चीज को टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, पोस्टपोन, डिले करना, ये सिनोनिम है। एंटोनिम बताना है तो मेक हेस्ट, हाँ इसका मतलब होता है तेजी से कुछ करना, किसी चीज में जल्दबाजी करना, तो टालने का उल्टा हो गया ये। और हेरल्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज का संकेत होना कि कुछ हो रहा है, कोई चीज स्टार्ट हो जाए किसी चीज की वजह से। पेरिश का मतलब एक होता है डिस्ट्रॉय होना, पेरिश मतलब टू बी डिस्ट्रॉयड या टू डाई, दोनों मतलब है इसके, कि बर्बाद हो जाना या फिर मर जाना। जैसे एक मुहावरा हम लोगों ने किया बाइट द डस्ट, उसके भी ये मतलब थे, बर्बाद हो जाना या फिर मर जाना, हार जाना, बर्बाद हो जाना, मर जाना। 14 तो पेरिश के ही तरह था। यहां पे एरर कुछ। मे आई नो हु यू वांट टू सी, क्या मैं जान सकता हूं तुम किससे मिलना चाहते हो? सी का मतलब मिलना भी होता है, सी मी टुमारो, सी यू सून मतलब जल्दी ही मिलेंगे। होम क्यों लग रहा है? चलिए सबको होम ही लग रहा। हु सब्जेक्टिव फॉर्म है, हमें क्या कहना है? तुम मिलना चाह रहे हो, मतलब जो एक्शन कर रहा है, जो चाह रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट होगा और जिससे मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ओफो, ये मिट क्यों नहीं? चलिए मिट गया। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमें लानी है, वो हु नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होम हो जाएगा, whom you want to meet या whom you want to see। नेक्स्ट 15, कीप अंडर रैप्स का मतलब क्या है? डू यू वॉन्ट टू सी नहीं। अच्छा अभी पिछला वाला फिर से एक बार देख लेंगे। गुड मॉर्निंग गोलू, खुश एडी, गुड मॉर्निंग, आपकी शायद फर्स्ट क्लास है। सीक्रेट, हाँ, कीप अंडर रैप्स है ये WRAPS, रैप्स ये स्पेलिंग होगी इसकी। मतलब किसी को, किसी चीज को ढक के रखना। ढक के रखना का क्या मतलब है? इस सेंस में कि उसको कोई, किसी को वो चीज पता ना चल जाए, तो मतलब है सीक्रेट रखना। डी हुआ। अच्छा अब यहाँ पे देखिए क्या है, मे आई नो हुम यू वांट टू मीट। यहाँ डू यू मीट नहीं आएगा क्योंकि सवाल तो हो ही गया ना। मे आई नो में सवाल की तरह बन गई रचना, सब्जेक्ट हमारा आई है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे इंट्रोगेटिव वाली रचना आ चुकी। 16, the smugglers did not realize that their conversation was being recorded, active passive ये। और किसी सवाल में आपको डाउट हो, आपका गलत हो गया हो और ज्यादातर बच्चों का सही था, तो ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया, तो लास्ट में उसे पूछ लीजिएगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, लास्ट में पूछ ले, नंबर उसका याद रख लीजिए। ए आंसर लग रहा। ओके, ध्रुव, छोटन, अंकिता, वरुण। द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज, उनको एहसास नहीं हुआ, दैट देयर कॉन्वर्सेशन वॉज बीइंग रिकॉर्डेड, उनकी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की जा रही थी। वॉज बीइंग रिकॉर्डेड क्या है? ये पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज है तो पास्ट टेंस है और आईएनजी कंटिन्यूअस, तो इसका पैसिव क्या होगा, मतलब एक्टिव क्या होगा? वॉज या वर, और आईएनजी फॉर्म आनी है। तो मतलब है द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट समवन वॉज रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड की जा रही थी, मतलब कोई रिकॉर्ड कर रहा था, तो ए आंसर लग रहा है। आगे देखें, समवन डिड नॉट रियलाइज, ये तो मीनिंग ही बदल गया, स्मगलर्स को रियलाइज नहीं हुआ कह रहे थे। कॉन्वर्सेशन वॉज रिकॉर्डेड व्हेन द स्मगलर्स, ये तो बिल्कुल गलत है, द स्मगलर्स रिकॉर्डेड देयर कॉन्वर्सेशन विदाउट रियलाइजिंग, उन्होंने खुद से रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्ड की जा रही थी, तो आंसर ए हुआ। 17, टर्न अ डेफ ईयर, इसका क्या मतलब? या एक मुहावरा होता है टर्न अ ब्लाइंड आई, एक ही टाइप के मीनिंग है। डेफ का मतलब क्या है? जो सुन नहीं सकता। ब्लाइंड मतलब जो देख नहीं सकता, तो अनसुना कर देना। सुन तो लिया लेकिन ध्यान ही नहीं दिया उस पर, तो मतलब इग्नोर कर देना, कि जैसे डेफ है, हमें तो कुछ नहीं सुनाई दिया, हम तो सुन ही नहीं पाते, तो इग्नोर के लिए ये वर्ड है। डिसरिगार्ड मीन्स इग्नोर करना। नेक्स्ट 18, देर आर मेनी वेज टूडे इन दैट टीचर्स, इसमें कोई एरर, इन दैट टीचर्स कैन स्प्रेड लिटरेसी अमंग स्टूडेंट्स। कोल्ड शोल्डर तो अलग चीज है, थोड़ा डिफरेंट है, वो अनफ्रेंडली है, इसमें जरूरी नहीं अनफ्रेंडली हो, वो तो बस पेरेंट्स को सलाह दे रहे हैं, तो ध्यान नहीं दिया कि अरे हमारे मतलब का नहीं है, ये करना पड़ जाएगा। डी में क्या मिस्टेक, होना क्या चाहिए? कुमार, तरुण, आपको क्या लग रहा है, कैसे सही करें? देर आर मेनी वेज टूडे, जिसमें टीचर्स कैन स्प्रेड, बहुत सारे वेज हैं जिससे टीचर्स स्प्रेड कर सकते हैं लिटरेसी। यहां आपको बताया था अभी कुछ ही दिन पहले कि अगर प्रेपोजिशन बीच में आया है, बीच में है, तो फिर बीच में आपको विच का कॉम्बिनेशन उसके साथ बनाना है। इन विच कहेंगे, दैट जो है वो बीच में नहीं आ सकता अगर प्रेपोजिशन के साथ है, तो इन विच टीचर्स कैन स्प्रेड लिटरेसी अमंग स्टूडेंट्स, ये बोला जाएगा। ठीक है, बाय विच भी कह सकते हैं, वो भी करेक्ट है, लेकिन प्रेपोजिशन है तो फिर विच का यूज करेंगे, तो डी हुआ। नेक्स्ट 19, he said, Ravi, why are you sounding so depressed today? Direct, indirect. स्प्रेड को डिस्क्राइब, स्प्रेड को नहीं वेज को डिस्क्राइब करने के लिए था वो। बी ऑप्शन। तो ही सेड रवि, जब यहाँ पे वाई वेयर हाउ टाइप का वर्ड लगा हो क्वेश्चन वर्ड तो सीधे वही यूज होगा, उसके पहले दैट का यूज नहीं करेंगे। ये ई ऑप्शन नहीं है। ही आज रवि वाई, फिर ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट टेंस में कर देंगे। डिड ही साउंड है, डिड कब करते हैं सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब कब लाते हैं जब इंट्रोगेटिव टाइप की का सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो प्रश्नवाचक हो तो पहले नहीं आएगा। फिर ही आज रवि वाई ही वॉज साउंडिंग सो डिप्रेस दैट डे, टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो ये हो गया बी आंसर। 20 द पुलिस ऑफिसर अप्रिशिएटेड एंड ऑनेस्टी ऑफ द पुअर थीफ, सिंपल सेंटेंस। यहां पे एरर 20 का बी। तो क्या होना चाहिए, कैसे सही करें? ऑनेस्टी किस तरह का नाउन है? ऑनेस्टी के हैं डिसऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जिस चीज को छू नहीं सकते, महसूस कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऐसे बोलते हैं, या एन ऑनेस्टी या द ऑनेस्टी नहीं, लेकिन अगर पर्टिकुलर की सेंस है तो फिर वहां पे द का यूज करेंगे, विशेष के लिए द आता ही है, द ऑनेस्टी हो जाएगा। तो द पुलिस ऑफिसर अप्रिशिएटेड द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर थीफ, क्योंकि किसी विशेष इंसान की बात हो रही है ना, किसकी सच्चाई थी, किसकी ईमानदारी, जो गरीब थीफ था, गरीब चोर था, उसकी। तो यहां पे हो जाएगा बी पार्ट में मिस्टेक हुई, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 21 डैश यू हियर द सीएम स्पीच, छोटन बड़े परेशान है, उनसे काफी बार वो मेंशन हुई हैं। हैव हैज हैड या डिड, डिड होगा। अच्छा, प्रभात नीतीश अंकिता सबको डिड क्यों लग रहा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो डिड ही आएगा बस। Did you hear, क्या तुमने सीएम की स्पीच सुनी थी? 22 The act of producing beautiful handwriting using a brush or a special pen, हाँ गोलू करेक्ट। तो सुंदर लिखावट जो एक स्पेशल टाइप के पेन से होती है, वो ब्रश जैसा या पेन हो, बहुत आता है ये। तो नंदन आपको डी लग रहा। कैलीग्राफी होगा, कैली जो वर्ड है इसका मतलब होता है सुंदर, तो कैलीग्राफी और ग्राफी का एक मतलब लिखना भी होता है, तो कैलीग्राफी मतलब सुंदर लिखावट, ब्यूटीफुल राइटिंग। कार्टोग्राफी, क्या कार्टो बिल्कुल सही, मैप के लिए आता है। कार्टोग्राफी का मतलब है मैप बनाने की जो कला है, जो प्रोसेस है, उसको कहेंगे। एस्थेटिक का मतलब हो गया ब्यूटी से रिलेटेड, एस्थेटिक उसमें टेस्ट बड़ा अच्छा है, मतलब ब्यूटी की पहचान बड़ी अच्छी है कि क्या चीज सुंदर लगेगी, किसके साथ क्या चीज जोड़ दो तो अच्छा लगेगा, कॉम्बिनेशन। ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है? ग्रोटेस्क वर्ड भी क्या कुछ ब्यूटी से रिलेटेड है। फिर आया एड, डरावना, बिल्कुल। ग्रोटेस्क का मतलब होता है बदसूरत बहुत ज्यादा, स्पेशली जो डरावना सा लगे या जिसपे हंसी आए। तो ग्रोटेस्क का सिनोनिम हो जाएगा अगली, तो डरावना टाइप का जो लगे, इतना अगली हो। नेक्स्ट 23 डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो, हाँ गोलू सबने देखा एड। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम, किस टाइम सूरज डूबेगा, सी ऑप्शन। तो ये यहाँ पे क्या होगा, कल ये काम कब होगा। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, अगर आपको ये लगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ में तो टेंस चेंज नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रूथ तो ये होता है कि वो हमेशा वो चीज सेम रहेगी, वो एक तथ्य है। लेकिन सन के राइज होने का या सेट होने का, डूबने का, उगने का तो अलग अलग टाइम होता है, चेंज होता रहता है। तो मतलब यहाँ पे हो गया ही आस्क्ड मी, पास्ट में उसने पूछा था तो टेंस चेंज कर देंगे, विल का हो जाएगा वुड और टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। वॉट टाइम द सन वुड सेट द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट 24 कैपिटुलेट का मतलब क्या है, रिपीट करना। रिपीट, डिकैपिटेट, समराइज या सरेंडर। आज अप्रैल फूल डे है, अलर्ट रहना सभी को सब कोई फूल ना बना दे। बिल्कुल हाँ, रोज भी अलर्ट रहा करें, कोई मूर्ख ना बना दे। आज तो स्पेशली वरुण बनने के बाद तो नहीं अलर्ट करे सबको। समराइज, अच्छा, कैप्यूटिलेट का मतलब होता है किसी आत्मसमर्पण करना, हार मान लेना, तो उसको क्या कहेंगे? सरेंडर करना। कैप्यूटिलेट का मतलब हो जाएगा सरेंडर। और रिपीट, दोहराना। डिकैपिटेट का मतलब क्या है? आपको बताया था डिकैपिटेट का मतलब बेहेड होता है, सर धड़ से अलग करना, सर किसी का काट देना, उसको कहेंगे कैप। आपको बताया था कैप, मान लीजिए जैसे सर, वो बॉडी की कैप सर है पूरा, तो अब डी कैप कर दिया, डी का मतलब उसको अलग कर दिया, तो डिकैपिटेट सर को अलग कर दिया। नेक्स्ट, समराइज, किसी चीज को संक्षिप्त में बताना। 25 Here dwells an old woman with dash. I would like to converse. ऐसा क्यों छोटन, उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उनको ऐसा लगता था। Here dwells, here dwell का मतलब रहना, यहां रहती है एक ओल्ड वुमेन जिनके साथ में बात करना चाहूंगा, जिनसे मैं बात करना चाहूंगा। तो इंसान के लिए विच का यूज नहीं होगा, और जिनके साथ मैं बात करना चाहूंगा तो बात करने का काम मैं कर रहा हूं, लेकिन जिनसे बात कर रहा हूं। प्रेपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होम हो गई। नेक्स्ट, 26 एरर इसमें। ही सेड दैट ही विल माइंड इफ आई रिफ्यूज्ड हिज ऑफर। हमेशा कंट्रोवर्शियल, आप भी लिटरेचर के स्टूडेंट लगते हैं। सही था आपका नंदन। सिबलिंग से बना दिया, अर्थ को एक आ गया। ओफो, फिर आप जान बचा के भागे होंगे बुरी तरह गिरते पड़ते। इफ आई रिफ्यूज इज ऑफर, ओके, कुछ तो गलती है, और वो गलती बहुत आती रहती है, बहुत। अभी आपने वो चीज सही की, यहाँ पे वो चीज नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में याद करी। जब हम सेड लाते हैं तो आगे हम क्या करते हैं? क्या हम विल ही लाते हैं? विल लाते हैं। यहाँ पे जब पास्ट है तो इधर भी पास्ट वाली फॉर्म होगी, वुड हो जाएगा। ही सेड दैट ही वुड माइंड इफ आई रिफ्यूज्ड हिज ऑफर। माइंड का मतलब क्या होता है? बुरा मानना। तो उसने कहा कि अगर मैं उसके ऑफर को ठुकरा दूंगा तो बुरा मानेगा। लोग कहते हैं कि आई डोंट माइंड, वो कह रहा है उल्टा कि मैं तो माइंड करूंगा। नेक्स्ट, 27 द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस को क्या बोला जाएगा? अच्छा, आप इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स हैं, ओके। गुड मॉर्निंग नंदन। 27C आइडल वर्शिप जिसे बोल सकते हैं, मूर्ति पूजा को क्या बोलेंगे? मूर्ति पूजा को हम लोग आइडल वर्शिप कहते हैं या आइडोलेट्री कहते हैं। लेट्री वर्ड का मतलब ही है वर्शिप, वर्शिप है। जैसे एक वर्ड है थियोलेट्री, थियोलेट्री का मतलब क्या हो सकता है? थियो का मतलब क्या होता है? गॉड, जिससे एथीस्ट और थीस्ट बना, नास्तिक और आस्तिक बना। तो थियोलेट्री किसकी वर्शिप हो गई? गॉड की वर्शिप, मतलब सीधे पूजा के लिए थियोलेट्री वर्ड है। और आइकोनोक्लास्म क्या होता है? इसका एंटोनिम हो गया। जो मूर्ति भंजक को, वो उसे कहेंगे आइकोनोक्लास्ट है, मतलब उसका विरोध करे, जो पुराने रीति रिवाज है उनका विरोध करने वाले को आइकोनोक्लास्ट कहेंगे। एथीज्म और थीज्म बता दिया। थीज्म का मतलब है गॉड को मानना, और एथीज्म का मतलब गॉड को ना मानना, नास्तिकता। 28 तीनू वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, आज द प्रिंसिपल, तुम कहां रहे इतने दिन तक, प्रिंसिपल ने पूछा। इनडायरेक्ट में चेंज करें। प्रिंसिपल ने पूछा था पास्ट में। एडी लखनऊ से हैं ये ऑप्शन। अनमोल आपका पीछे चल रहा है, नास्तिक आपने सही बताया, लेकिन पीछे हैं आप थोड़ा। देखिए, वेयर हैव यू बीन, जब पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है तो हम पूरा आगे का भी जो सेंटेंस है वो पास्ट में कर देंगे। तो प्रिंसिपल आज टीनू हैड कर देंगे। अब कौन सा नहीं होगा, यहाँ पे हैज आ रहा है, इधर वॉज आ रहा है, इधर भी हैड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब कब आता है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। वो तो है नहीं, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है। तो नॉर्मल ही आया फिर हैड आया। 29 एरर इसमें। Arun's parents died soon after he was born, and he looked after his aunt since then. तो अरुण के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी जब वो पैदा हुआ था, ठीक उसके बाद ही। Since then गलत है, then कहाँ है, since then है। आज के क्वेश्चंस कुछ इजी हैं, हाँ कभी इजी आते हैं, कभी अचानक मुश्किल आते हैं। तो लेकिन ये हैं वही एग्जाम वाले सवाल हैं। थैंक यू एडी, बिल्कुल हाँ कभी जरूर आना होगा। वॉज लुक बिल्कुल सही, कुमार छोटन। सिंस फॉर परफेक्ट। देखिए सिंस देन का मतलब क्या है, तब से। सिंस देन का मतलब तब से। ये तो वरुण आपने अभी पेड क्लास में टेंसेस में पढ़ा था। अरुण's पेरेंट्स डाइड, अब आप इसकी मीनिंग निकालिए कि जैसे ही वो मतलब जब वो पैदा हुआ था ठीक उसके बाद ही उनकी डेथ हो गई थी दोनों लोगों की। तो बच्चा मतलब बहुत छोटा सा था, वो तो बेबी था। तो ही लुक्ड आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। तो एंड ही लुक्ड आफ्टर इज आंट हो सकता है, वो बेबी था अब वो अपनी आंट की देखभाल करने लगा, या फिर उसकी आंट उसकी देखभाल करने लगी, ये होना चाहिए। कोई बच्चा नहीं था, माँ बाप नहीं बच्चा, तो फिर उसकी आंट ने उसको पाला या देखभाल की उसकी। तो इसका होना चाहिए यहाँ पर लुक आफ्टर, उसको देखा गया, उसकी देखभाल की गई आंट के द्वारा, ये होना चाहिए। पैसिव वॉइस में होगा, उसकी देखभाल आंट के द्वारा की गई। एंड ही वॉज लुक्ड आफ्टर, He was looked after by his aunt. आंट के द्वारा। अब ठीक है, अब लॉजिकली सही बन रहा है। वो आंट कैसी थी, वो लग रहा है वो और भी छोटी थी, वो 2 दिन की थी क्या, कि वो बच्चा उनकी देखभाल कर रहा था जो खुद ही अभी पैदा हुआ है। ठीक है, पैसिव में आएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है कंफ्यूजन। जैसिका इजी सवाल है, मुश्किल आ गया। 30 डीप इन थॉट का मतलब क्या हुआ। डीप इन थॉट मेडिटेशन, पेंसिव, पेपी या प्रिकली। एंड ही हैड बीन, हैड बीन तो पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाएगा, हैड बीन नहीं होगा, वो तो ज्यादा पुराना एक्शन। पेंसिव होगा, गहरी सोच में अगर कोई है तो वो पेंसिव है। प्रिकली का मतलब क्या होता है, जो जल्दी इरिटेट हो जाए, जल्दी उसे गुस्सा आए, बैड टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप का, कि जरा सा कुछ बोल दो तो वो चिढ़ जाए, उसके लिए ये आता है प्रिकली। पेपी का मतलब क्या है, लाइवली, फुल ऑफ एनर्जी, जोशीला इंसान। मेडिटेशन तो ध्यान करना। नेक्स्ट, किसके लिए इडियम बताएं, कौन सा, ये वाला डीप इन डीप थॉट अभी आया था इन ब्राउन स्टडी वाला, इन योर ब्राउन स्टडी ये था, ये वाला पूछ रहे हैं। तो गहरी सोच में होना, ये पिछले 2 क्लासेस में ही आया है। बबली हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो स्पेशली लड़कियों के लिए आता है, बबली वाइवेशियस। दो चाइल्ड मैरिज हैज बीन बैंड येट द कस्टम स्टिल प्रिवेल्ड अमंग सम ग्रुप्स इन इंडिया। एरर इसमें। प्रिकली हीट पाउडर हाँ वो भी होता है। आगरा भी आई, आगरा तो जा चुके हैं वरुण, लेकिन वहां तो फिर आना हो सकता है। प्रिवेल्स होगा। अच्छा, दो चाइल्ड मैरिज हैज बीन बैंड, हालांकि चाइल्ड मैरिज बैन कर दी गई है, येट का मतलब यहाँ पे फिर भी, द कस्टम स्टिल प्रिवेल्ड, फिर भी कस्टम था, बहुत सारी कम्युनिटीज में चल रहा था, नहीं चल रहा है, क्योंकि बैन कर दिया गया है लेकिन अभी भी चल रहा है, स्टिल कह रहे हैं अभी भी ये काम प्रेजेंट में हो रहा है। तो सी आंसर हुआ तो सबका सही। 32 एट फर्स्ट क्लाइंबिंग अप माउंट एवरेस्ट वॉज बियॉन्ड डैश, शुरुआत में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना जो था वो बियॉन्ड क्रिएटिविटी था, बियॉन्ड विजन, अटेंशन या इमेजिनेशन। यस तरुणा, इमेजिनेशन। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज के आगे जाकर, या बियॉन्ड का एक दूसरा मतलब होता है किसी चीज के परे, किसी चीज की सीमा के बाहर। तो इमेजिनेशन की, कल्पना की सीमा के बाहर था वो, कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी ऊंचाई पे कौन चढ़ जाएगा। लेकिन अब तो कब से लोग चढ़ रहे हैं, अब तो होड़ लगी पड़ी है, वहां पे भीड़, वहां ट्रैफिक होने लगा, जाम लग जाता है चढ़ने में भी। फिर राधा डज नॉट हैव कॉस्टली फर्नीचर्स इन हर न्यू बंगलो, यहां पे कैसे सही करेंगे? फर्नीचर, ओके, डज नॉट हैव कॉस्टली फर्नीचर्स। पहली चीज तो गलती है क्या यहाँ पे कि फर्नीचर्स कुछ नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो जैसे फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, इंफॉर्मेशंस नहीं कहेंगे, न्यूज़ेस नहीं बोलेंगे, एडवाइसेस नहीं कहेंगे, सबको सिंगुलर मिलाएंगे। तो पहली चीज ये हुई कि नो इम्प्रूवमेंट है नहीं। अब राधा डज नॉट हैव, डज नॉट के साथ क्या आएगा? हैज का यूज नहीं होगा, हैव का मतलब यहाँ पे ओन करना होता है, तो डज नॉट हैव यूज करेंगे, हैज गलत हो गया। डज नॉट हैव कॉस्टली फर्नीचर या अकॉस्टली, अ भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल है, जब अनकाउंटेबल है तो अ कैसे लाएं, अ का तो मतलब वन होता है ना, तो इसलिए आंसर डज नॉट हैव कॉस्टली फर्नीचर कहेंगे। अच्छा, अब इसकी जगह और क्या कह सकते थे? अगर आपको काउंट करना है तो फिर अ या वन पीस ऑफ फर्नीचर, फिर ये बोला जाएगा अगर काउंट करना पड़े तो। इसी तरह से टू पीसेस ऑफ फर्नीचर ऐसे बोलिए। 34 हु गेव यू परमिशन टू एंटर एक्टिव पैसिव ही। अच्छा तरुणा, बहुत सारे इनविटेशन मिल गए, बिल्कुल हाँ, कुछ दिन की छुट्टी करके ऐसी हर बच्चे के शहर जाएं, होम टाउन आपके जाएं। अच्छा थैंक यू छोटन, बिल्कुल हाँ, कभी वहां तो आना चाहिए। लगेज बैगेज इसका, हाँ बिल्कुल सही कुमार, आपने पूरा रूल बता दिया। अ पीस, हाँ तो सही था, अ पीस भी तो सही है। अ पीस ऑफ फर्नीचर या वन पीस ऑफ फर्नीचर काउंट करने के लिए ला सकते हैं। ए ऑप्शन, बी भी लग रहा, सी भी लग रहा, कुछ सही चकोर। देखिए हु गेव यू परमिशन टू एंटर, तुम्हें घुसने की परमिशन किसने दी, किसने आने दिया, तो किसने आने दिया उसकी जगह क्या हो जाएगा? किसके द्वारा तुम्हें परमिशन मिली, किसके द्वारा, तो बाय होम तो होना चाहिए। अब है जब सवाल कर रहे हैं तो बाय होम गिवन यू परमिशन रॉन्ग है, सवाल करने पे सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, तो बाय होम यू वर गिवन, वॉज यू या वर, यू के साथ वॉज का तो इस्तेमाल होता ही नहीं है, बाय होम वर यू गिवन ये कहेंगे, By whom were you given permission। और देखिए कौन सा टेंस था ये, gave था past indefinite, तो past indefinite का passive ये होगा, was या were और third form, लेकिन you के साथ was नहीं आ सकता, तो एक आंसर इस वजह से गलत हो गया था, ए हुआ। ठीक है। 35 The mother with her children were accepted by the family। तरुणा उसके अभी तो अलग से तो क्लासेस नहीं, लेकिन जैसे उसमें जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो भी हम लोग इसी में कर लीजिए। स्पेशल क्लासेस तो एग्जाम के आसपास होंगी और एग्जाम के आसपास थोड़ा स्टार्ट होंगी। बैच से मतलब है पेड कोर्स, तो वो चल रहा है, अवेलेबल है आपको, एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप पर है। यूपी के अलावा कहीं नहीं जाएंगे? नहीं नहीं बिल्कुल जाएंगे, ऐसा नहीं है, हमें नहीं बुलाइए, हमारे शहर भी, आपके शहर बिल्कुल हाँ, लखनऊ आएंगे तो वहां पे भी आते हैं, एड्रेस भेज दें। द मदर विद हर चिल्ड्रेन, विद क्या है? विद होता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या चीज आती है? प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड ऑब्जेक्ट हुआ, तो मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ एक है। आप विद कहते हैं, अलोंग विद, टुगेदर विद, ये सारे प्रेपोजिशन होते हैं। जब सब्जेक्ट एक ही है तो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लाएंगे। तो मदर वॉज, द मदर विद द चिल्ड्रन वॉज एक्सेप्टेड बाय द फैमिली, फैमिली के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय लगा हुआ है। नेक्स्ट है 36, इसमें एरर देखिए। द वार्डन फॉरबेड द स्टूडेंट नॉट टू लीव द हॉस्टल। डाउनलोड नहीं हो रहा, ऐसे कैसे? तरुणा जो नीचे नंबर एक चल रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज डाल दीजिए, तो हो सकता है एक दिन के अंदर, थोड़ा टाइम दीजिएगा, वो एक दिन के अंदर आपको कॉल बैक करेंगे। अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिएगा बस, हाय हेलो मत लिखिएगा। हैज भी होगा नीतीश, क्योंकि पैसिव वॉइस था ना। अगर आप कहें हैज एक्सेप्टेड बाय, ऐसा होता तो ये पैसिव वॉइस थोड़ी हुआ, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव हुआ ना। या तो आप ये कहते हैज बीन एक्सेप्टेड, के एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ फॉरबेड के साथ, हाँ फॉरबेड के साथ नॉट का यूज नहीं होगा। तो फॉरबेड द स्टूडेंट नॉट टू लीव नहीं कहेंगे, बस फॉरबेड द स्टूडेंट टू लीव। फॉरबिडन ये फॉर्म्स होती है, किसी को कोई काम करने से मना करना, रोकना। 37 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब हाँ हैज बीन हो सकता था वहां। द प्रिंसिपल सेड व्हाई डिडंट यू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। अनुज, तरुणा क्विज होती है रात के 8 बजे, टीटीएस। अब पहले डेली हो रही थी, लेकिन अब वो टीटीएस में हो रही है 3 दिन, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ये 3 दिन है। 37 का बी ध्रुव सी। प्रिंसिपल ने कहा था, पास्ट में कहा था, फिर वही टेंस चेंज करेंगे। डिड है तो ये क्या हो जाएगा, व्हाई डिडंट यू अटेंड, ये पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। ये दो गलत हो गए। प्रिंसिपल आस्क्ड टू, अनुज नहीं कहेंगे, बस सीधे आस्क के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड यू, ऐसे कहेंगे। तो आस्क हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस, सबके साथ वही होगा, या टेल हो, सबके साथ आपको टू नहीं लाना कि आस्क्ड मी, ही टोल्ड मी, ये बोलेंगे, ठीक है। तो बी आप लोगों को लग रहा था, देखा नहीं है, आस्क टू अनुज नहीं, यहाँ पे अच्छा ये तो मिसप्रिंट हो गया, तो आप लोगों की गलती नहीं है, यहाँ पे तो दोनों ही गलत ऑप्शन है। तो अब आप लोग बी आंसर बता रहे हैं, चलिए उसी को सही मान लें। आंसर तो कोई भी सही नहीं था, लेकिन यहाँ पे टू हटा देते हैं। तो प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज व्हाई ही हैडंट अटेंडेड, ये कहेंगे। इसमें क्या गड़बड़ थी, यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, तो ये प्रॉब्लम थी इसमें, ये तो इंट्रोगेटिव में होता है। तो चलिए इसको ही मान लेते हैं, फिर मिसप्रिंट हटा दिया, बी आंसर हुआ। 38 In spite of several reminders, he did not so far send any reply to my letters. नहीं वरुण वहां तो नहीं आए, बस आगरा तो गए थे, लेकिन वही ताजमहल देखने बस, और तो बहुत ही शॉर्ट विजिट। टू को हटाओ, हटा के बी लगाओ, ये नारा लग रहा है सूजा आपका। तो 'हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा ना, क्वेश्चन है नितीश पिछले वाले में, नीतीश अभी लास्ट में देख लेंगे आप जो पूछ रहे हैं। 37 वाला याद रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स, बहुत अच्छा, अरे बहुत, बिल्कुल दंग रह जाने वाला, बहुत ज्यादा, बिल्कुल जरूर देखने वाला है ताजमहल, देखें जरूर। देखिए इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स, बहुत सारे रिमाइंडर्स, कई बार उसे याद दिलाने के बावजूद, He did not so far send any reply. उसने अभी तक जब हम कह रहे हैं अभी तक उसने कोई रिप्लाई नहीं भेजा, अभी तक के लिए क्या हम पास्ट टेंस लाएंगे? जब हम अभी तक कह रहे हैं तो हमें प्रेजेंट टेंस लाना होगा। तो मतलब है यहां पे होना चाहिए he has not so far sent, ये कहेंगे, क्योंकि अभी तक वाली सेंस है तो बी हो जाएगा, बी पार्ट में मिस्टेक है, अभी तक ये काम नहीं किया है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा सो फार के साथ। नेक्स्ट 30, हाँ 37 लास्ट में कर लेंगे नीतीश, अब आगे बढ़ गए लास्ट में करते हैं उसे। 39 है, फॉर डैश सेक डोंट टेल इट टू अदर्स, फॉर हेवन सेक, हेवन सेक, हेवेंस या हेवेंस, बिल्कुल हाँ सो फार लास्ट में ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अब वो बीच में वैसे ही दिया है तो हम क्या करें, उसमें आ सकता है वो लिटरेरी लैंग्वेज में तो कहीं पे भी कुछ भी घुसा दिया जाता है। सी डी बी ये क्या हुआ, हेवेंस, फॉर हेवन से, ये वाला हम लोग रूल पढ़ते हैं एडवर्ब, वो नाउन चैप्टर में, नाउन और अपॉस्ट्रोफी साथ में करते हैं, तो ये होता है जैसे ये कहें फॉर यूनिटीज सेक, इसका मतलब क्या समझिए, फॉर यूनिटीज सेक जैसे कहें, मतलब है यूनिटी की खातिर, यूनिटी की खातिर, इसका ये मतलब है। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काकी के, तो यूनिटी की खातिर, एकता बनाए रखने के लिए। उसी तरह से फॉर हेवन सेक ये मुहावरा है, अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, हेवन में अपॉस्ट्रोफी एस, जैसे कहते हैं भगवान के लिए फॉर गॉड्स सेक बोला जाता है, उसी तरह से फॉर हेवन सेक बोलते हैं, तो अपॉस्ट्रोफी एस लाएंगे, फॉर गॉड्स सेक भी कुछ, हाँ बिल्कुल वही चीज है कि जैसे फॉर गॉड्स सेक हेल्प अस, भगवान के लिए हमारी मदद करो, उसी तरह से गॉड्स सेक का सिनोनिम की तरह है, फॉर हेवन सेक वही चीज है, भगवान के लिए हमारी मदद करो। अब ये क्लोज टेस्ट आ गया, क्लोज टेस्ट में आप सॉल्व करते हैं, विंड एनर्जी इज अ डैश ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी क्या है, इज अ ओरिजिन सोर्स इन्वेंटर या क्रिएटर, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होगा, जब अ लगा हुआ है तो ये तो सीधे आंसर उन्होंने खुद ही लीक कर दिया एग्जाम ने, मतलब पेपर बनाने वाले ने, अ है तो ये दोनों तो नहीं हो सकते ना, वॉवल वॉवल की साउंड आ रही है तो एन होना चाहिए था, तो हो जाएगा इज अ सोर्स ऑफ, सोर्स है उस चीज का रिन्यूएबल एनर्जी का, विंड एनर्जी, यहां से ये चीज आती है, इज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इट डज नॉट डैश, इट इज इनएग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्ट का मतलब होता है खत्म हो जाना, एग्जॉस्ट का मतलब एक बहुत ज्यादा थक जाना होता है, एग्जॉस्टेड, जैसे यू हैव एग्जॉस्टेड योर डेटा, कि आपने यूज करके खत्म कर दिया, यूज अप करना, तो इनएग्जॉस्टेबल है। विंड एनर्जी ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी, वो तो जब तक धरती है तब तक वो चलती रहेगी विंड एनर्जी, तो इट डज नॉट डैश, इट इज इनएग्जॉस्टेबल, इट डज नॉट टार्निश, फाउल, कंटेमिनेट या स्टेन, it is inexhaustible and dash the use of fossil fuels which are the origin of greenhouse gases, इसको क्या बोला जाता है, ये इस तरह की एनर्जी अगर हम लोग यूज करें रिन्यूएबल एनर्जी, तो उससे पोल्यूशन भी कम होगा, उससे प्रदूषण नहीं फैलेगा, तो गंदगी नहीं होगी। पल्यूट करने के लिए कौन सा वर्ड है, पल्यूट, हाँ पल्यूट होना चाहिए, तो पल्यूट का सिनोनिम क्या हो गया, कंटेमिनेट, कंटेमिनेट और पल्यूट एक ही चीज हुई। टार्निश का मतलब, स्टेन का मतलब कुछ दाग लगा देना, कोई धब्बा, दाग लगाना। फाउल का मतलब क्या हो गया, एक फाउल वो होता है जैसे हम लोग स्पोर्ट्स में देखते हैं फाउल, कुछ गलत कर देना, रूल्स को ब्रेक करना। फिर फाउल का मतलब जैसे फाउल स्मेल, बुरी स्मेल, बदबू, उसके लिए आ सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज, इट डज नॉट कंटेमिनेट, वो पल्यूट नहीं करता, इट इज इनएग्जॉस्टेबल एंड डैश द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एंड डैश द यूज ऑफ, एंड ट्रिम्स, शॉर्टन्स, श्रिंक्स या रिड्यूसेस। फॉसिल फ्यूल्स का जो इस्तेमाल है वो कम हो जाता है उससे, जब एक एनर्जी की सोर्स हमें और मिल गई जो पॉल्यूशन फ्री है, तो हमें वो जो पॉल्यूशन वाली जो सोर्सेज है उनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। रिड्यूसेस होगा कम कर देने के लिए। श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना। शॉर्टन मतलब छोटा, जैसे किसी ड्यूरेशन को छोटा कर देना, अवधि जो थी उसको, पीरियड ऑफ टाइम को छोटा करना, वो शॉर्टन हुआ। ट्रिम का मतलब छटाई करना, किसी चीज को काट के छोटा करना, तो काट के छोटा नहीं कर रहे, बस सीधे कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विच आर द ओरिजिन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। In addition, wind energy is a native energy because it is dash practically everywhere. इसके अलावा ये wind energy is a native energy because it is occupied, available, engaged या busy practically everywhere. Wind energy तो कहीं पे भी इस्तेमाल हो जाएगी, हर जगह तो wind होगी. अवेलेबल बिल्कुल सही, क्योंकि मौजूद है, क्योंकि ये मौजूद हर जगह है, प्रैक्टिकली हर जगह ही मौजूद है. डैश द प्लैनेट, यहां पे क्या होना चाहिए? विदाउट ऑप्शन बताइए. ऑप्शन नहीं, फिफ्थ वाले पे हम लोग जा रहे हैं, लेकिन फिफ्थ वाले में कोई ऑप्शन नहीं, आप बिना ऑप्शन के बताइए क्या होना चाहिए. एवरीवेयर डैश द प्लैनेट विच कॉन्ट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग एनर्जी इम्पोर्ट्स एंड टू क्रिएटिंग वेल्थ एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट. ऑन प्लैनेट के ऊपर होगा, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड. यहाँ पे हो जाएगा ऑन द प्लैनेट. ऑन द प्लैनेट मतलब प्लैनेट के ऊपर ही तो सारी चीजें हो रही है, प्लैनेट के अंदर तो होती नहीं. या फिर अगर अर्थ होता तो क्या कहते? फिर ऑन अर्थ कहते, क्योंकि ऑन अर्थ का क्या रूल है? अर्थ के पहले आपको द का यूज करना होता है, सन मून अर्थ इन सबसे पहले. लेकिन अगर अर्थ के पहले ऑन लगाए तो फिर द नहीं लाते, बस ऑन अर्थ कहेंगे. ठीक है, हाँ छोटन वरुण सही. तो इसमें कितने सही हुए? आई थिंक 5 तो बहुत लोगों के सही हुए. अब इसका जम्बल्ड कहाँ चला गया? ओके, जम्बल्ड सेंटेंस ही गायब हो गया. ठीक है, जम्बल्ड तो पता नहीं कहाँ गया. तो फिर हम लोग क्लास एंड ही करते हैं. ये लास्ट क्लास 5 on 5. कितने लोगों के 5 थे? एक्सीलेंट गोलू, वरुण, ध्रुव, चकोर बहुत अच्छे, अंकिता बहुत अच्छे, थैंक यू सुजा. और ये 37, अच्छा 37 किसी को पूछना है ये बता रहे हैं. तो बस ये लास्ट क्वेश्चन था, अच्छा भी बता देते हैं. और ये मंडे टू सैटरडे क्लास होती है. सेशन यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर दें. और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये 3 दिन ग्रुप पे क्विज होती है. ग्रुप ज्वाइन कर लें, ये नाम लिखा है, स्पेलिंग सही से डालिएगा तो आपको नाम मिल जाएगा. थैंक यू रानो चकोर, थैंक यू. और आज क्विज वाला दिन नहीं है, लेकिन कल हम लोग क्विज में हिस्सा जरूर लेंगे. और ये आप प्रोसेस भी देख लीजिए अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना हो. हाउ टू इम्प्रूव फ्लुएंसी व्हाइल स्पीकिंग प्लीज सजेस्ट. छोटा ना, इसके अलग से कभी बात करेंगे, इतना आसान नहीं. लेकिन हाँ, जितना आप बोलेंगे, आपकी ग्रामर तो सही है लेकिन जितना वोकैबुलरी भी अच्छी है आपकी, तो जितना आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल ये सोचे बिना कि लोग हंसेंगे या कुछ है, बोलने की प्रैक्टिस करिए. कोई आपके फ्रेंड हो उससे बोलने की कोशिश करिए. थैंक यू वरुण. ऑन द अर्थ रॉन्ग है, हाँ बिल्कुल अनमोल, ऑन द अर्थ नहीं हो सकता. चलिए, यहाँ पे क्या बता रहे थे आपको? हाँ, अगर बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ना है तो वो ये बैच है. इसमें ये लाइव बैच है, 10 बजे इसकी क्लास होती है, अभी नया स्टार्ट हुआ है. इसमें आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, वर्कशीट, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है. वो कैब हो या कुछ हो, उसमें ग्रामर के सवाल हो. और आपको एडमिशन लेना हो तो ये याद रखिए, किसी भी कोर्स में, चाहे इंग्लिश का हो चाहे कोई दूसरा कोर्स हो, MD क्लासेस ऑफिशियल पे SZ10 ये कोड है, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा. जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उसमें आप, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो, बिहार पुलिस, यूपी का कुछ भी, सब में आप ये यूज कर सकते हैं. प्रोसेस आपको पता है, MD क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, फिर रजिस्टर पे जाइएगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी वो सब लिख के, नाम वाम लिख के रजिस्टर कर लीजिए, वो आसान सा प्रोसेस है. फिर पेड कोर्सेज में जाए, फिर लाइन से सारे कोर्सेज आ जाएंगे, वो कोड लिखिएगा डिस्काउंट के लिए जो कोड है, फिर आप पेमेंट कर दें. और कंप्लीट SSC बैच भी है, वो ये है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे. सारे सब्जेक्ट एक जगह चाहिए हो तो उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए. इंग्लिश का पूरी तरह लाइव है, ये लाइव और कुछ रिकॉर्डेड भी पार्ट है. तो अब क्लास ओवर होती है, थैंक यू वेरी मच. किसी का जो डाउट था वो बता देते हैं. आप बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच चकोर, थैंक यू मनो. इंग्लिश तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती, तो जब बच्चे क्लास कर रहे हैं तो उनको भी नहीं आती होगी, लेकिन धीरे धीरे आने लगती है. पढ़ेंगे तो बेसिक से पढ़ेंगे तो जरूर आएगी. कौन सा सवाल आपका था? 37 था, थैंक यू रवि. क्या किसका सवाल था ये? नीतीश आपका था या चले गए क्लास से? किसी और को भी पूछना था? किसी का सवाल हो तो बता दे कौन सा था. 37, अच्छा 37 तो यही है. द प्रिंसिपल सेड व्हाई डिडंट यू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी. अब देखिए, पहली चीज है कि उसने पास्ट में प्रिंसिपल ने पूछा था, तो हमें टेंस चेंज करना होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट है, व्हाई डिडंट यू अटेंड। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो ये दो ऑप्शन हट गए ना, ये तो दूसरा ही टेंस है, पास्ट परफेक्ट नहीं है। अब फिर इसमें होना चाहिए था द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज, ये कहते ये मिसप्रिंट है, आस्क्ड टू अनुज नहीं है, बस आस्क्ड अनुज। आस्क्ड के साथ प्रेपोजिशन हम नहीं लाएंगे। फिर अब ये इन दोनों में क्या अंतर है, इन दो, यही आपको कंफ्यूजन है ना। देखिए अब सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब कब रखते हैं? सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया तब आती है जब वो इंट्रोगेटिव हो। मतलब ये वाला सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होता तब हम ऐसा करते, लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो एक चीज ये होती है कि आप उसको इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करिए। असर्टिव सेंटेंस का मतलब एक नॉर्मल सेंटेंस, नॉर्मल का मतलब है जैसे अनिल इज गोइंग, राम इज प्लेइंग, इस तरह। सब्जेक्ट आए जिसमें फिर वर्ब आए, नॉर्मल का मतलब है सब्जेक्ट आए उसके बाद में वर्ब। तो इसीलिए यहाँ पे होना चाहिए, ये आंसर सही हो गया, सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आया, तो आंसर बी हुआ। ठीक है, हैडंट ही ये तो इंट्रोगेटिव में होता, यहाँ फुल स्टॉप लगा है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। तो बस यही लास्ट था, इसी में आपको प्रॉब्लम थी। तो अब मिलते हैं फिर अगले क्लास में, पेड क्लास तो है ही, और 8 बजे सुबह यहीं पे मिलेंगे, और क्विज होगी कल, आज क्विज नहीं है। अच्छा, क्लियर हो गया, ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक और शेयर भी कर दें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।